Hi guys, hello and welcome back to my channel of beauty on duty. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स में महिलाओं को चक्कर क्यों आते हैं. पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट व कमर दर्द, सिर दर्द, क्रैम्प्स, हद से ज़्यादा थकान, पेट फूलना, डायरिया या कब्ज जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. वहीं कुष्ठ महिलाओं को इसी दौरान बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं. चक्कर आने पर सिर घूमने लगता है, तो हल्के फुल्के चक्कर आना नॉर्मल है, लेकिन ऐसा हद से ज़्यादा हो तो यह किसी बीमारी का इशारा हो सकता है. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आपको पीरियड्स के दौरान चक्कर क्यों आते हैं, क्या है इसके कारण, और साथ में जानेंगे हम इनके उपायों के बारे में ताकि पीरियड्स के दौरान आपको चक्कर आने की परेशानी से राहत मिल सके. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है महिलाओं के लिए. और वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा. तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस यूज़फुल टॉपिक पर फुल डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी इसके कारणों के बारे में कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान चक्कर आते हैं. सबसे पहला जो रीज़न है, एनीमिया की प्रॉब्लम. अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको पीरियड्स के दौरान चक्कर आने की समस्या है वो देखने को मिलती है. पीरियड्स में हर महीने शरीर से लगभग 2 चम्मच खून निकल जाता है, जिससे एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग है तो लड़की या फिर महिला वो एनीमिक हो सकती है. अगला जो रीज़न है, क्रैम्प्स की वजह से. पीरियड्स के दौरान गर्भाशय में सिकुड़न होती है, तो तेज़ दर्द और प्रॉब्लम से भरे पीरियड्स चक्कर महसूस है वो करवा सकते हैं. क्रैम्प्स के कारण पेट में तेज़ दर्द होता है. वैसे तो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होने से एंड्रोमेट्रियोसिस बीमारी का इशारा भी हो सकती है, जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं. अगला जो रीज़न है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होने पर. जिन महिलाओं को माइग्रेन की समस्या है उन्हें पीरियड्स माइग्रेन भी प्रभावित करता है. इसके कारण भी आधे सिर में तेज़ दर्द और चक्कर महसूस होते हैं, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन के कम या फिर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है. अगला जो रीज़न है, शरीर में पानी की कमी. शरीर में पानी यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी पीरियड्स में चक्कर है वो आ सकते हैं. तो ऐसे में आप दिन में कम से कम 8-9 गिलास पानी ज़रूर पिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके. साथ ही चाय, कॉफ़ी, सोडा और एल्कोहल है वो उस दूर रहे. अब हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में. तो पीरियड्स में चक्कर आने का इलाज कारण देख कर ही किया जाता है. डिहाइड्रेशन ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर बनाए रखने और चक्कर से बचने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पिए. पूरे दिन पौष्टिक आहार खाना चाहिए और रिफाइंड चीनी खाने से बचना चाहिए, और ताकत के लिए भोजन में प्रोटीन है वो ज़रूर शामिल करें. इसके अलावा मछली, मांस, हरी सब्जियां, टोफू, ब्रोकली जैसे आयरन युक्त चीज़ें हैं वो एनीमिया की स्थिति से निपटने में इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर से खानी चाहिए. एंड इसके अलावा पीरियड्स से पहले और उसके दौरान मल्टी विटामिन का सेवन करने से, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C और आयरन जैसे विटामिन की पूर्ति के कारण चक्कर आने के लक्षणों को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है. अदरक की चाय और मेंथल वाली चाय पीने से चक्कर आना और पीरियड में होने वाले एंठन के इलाज करने में हेल्प मिलती है. इसके अलावा हल्के फुल्के आपको पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज या फिर योग है वो ज़रूर करना चाहिए. डाइट में फल, सब्जियां, नट्स ले, और कैफीन, अल्कोहल और सिगरेट के सेवन से आपको बचना चाहिए. माइग्रेन या फिर एनीमिया की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर आयरन सप्लीमेंट्स ले. वही पीरियड्स माइग्रेन में आप डॉक्टर से सलाह लेकर कोई दवा का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा डाइट में आप पालक, चुकंदर, दालें और रेड मीट जैसे आयरन युक्त चीज़ें हैं वो शामिल कर सकते हैं. और अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो आपको क्या करना है, ब्लड शुगर लेवल कम होने पर फ्रूट जूस पिए. आप चाहे तो मीठी कैंडी भी खा सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए. और अगर आपको क्रैम्प्स के कारण चक्कर आ रहे हैं तो दर्द कम करने के लिए हीटिंग पैड या फिर गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो. आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.